यूं ही नहीं, मैं हर हिंदुस्तानी की पहली पसंद बन जाता हूं। सैनिक स्वीट सुपारी, हर हिंदुस्तानी की पहली पसंद। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम आए हुए हैं गमलेश्वर महादेव मंदिर सागवाड़ा जिला डूंगरपुर, जहां पर एक रुद्राभिषेक किया गया है गौ भक्तों द्वारा। और साथ ही यहां पर नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र भाई खोडनिया, साथ में तहसीलदार साहब डॉक्टर मयूर शर्मा जी भी हैं और उनके साथ गौ भक्त भी हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस संबंध में यहां पर जो रुद्राभिषेक किया गया है। सर, जो आज रुद्राभिषेक यहां पर किया गया है, इसके संबंध में बताएं जो इस संबंध में किया गया है रुद्राभिषेक। ओम नमः शिवाय, गो माता की जय हो। हमारे सागवाड़ा के श्री श्री उत्तम स्वामी गौशाला के सारे जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पिछले 7 दिन से उनकी कोशिश थी कि जहां पर हम गौशाला चालू करने के लिए हमने जो भूखंड देखा है, उस भूखंड पे हम बोर कराना चाहते हैं। तो बोर के लिए हमारे प्रधान जी ईश्वर भाई जिन्होंने वहाँ पर बोर करवाया और वहाँ 2 बोर करवाए गए हैं। दोनों बोरों में बहुत अच्छा पानी आया है और परंपरा अनुसार धार्मिक एक संस्कार की कहिए या धार्मिक हमारी भावना कहिए कि उस अनुसार सबसे पहले यदि बोर का पानी बाहर हम निकालते हैं तो उसको ताम्र कलश में भरकर हम शिवालय में उसको अर्पित करते हैं। आज उसी की कड़ी में हम सर्वप्रथम वहाँ उस बोर का पानी, जो गौ माताओं के पीने के लिए व्यवस्था की गई है, उस पानी को हमारे कार्यकर्ता श्री मुकेश जी, नरेश जी, मोहन जी, नीरज जी, राजेश जी और भाई कर्मवीर जी और जितने भी हम कार्यकर्ता हैं यहाँ उपस्थित मंदिर में, वो सब घड़े में भर करके लाए और मुझे फ़ोन के द्वारा सूचना दी गई। तो हम तहसीलदार साहब मयूर जी शर्मा और हम सभी जो गौशाला के सदस्य हैं सभी, वो हम यहाँ पर आए और बड़ी भक्ति भाव से हमने आज शिवालय में शिव जी के लिंग पे हमने उस जो बोर से निकाला हुआ पानी उसका अभिषेक किया। हम प्रभु से कामना करते हैं कि हे प्रभु, जब तक ये धरती रहे, जब तक ये धरती पर गौ माता रहे, तब तक हमारा इस बोर में पानी आए ताकि हम गौ माता की सेवा अनवरत जारी रखें और गौ माताओं के लिए पानी की व्यवस्था अनवरत हम जारी रखें, यही कामना करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि 2 बोर वहां पर किए गए हैं, तो एक पहला बोर किसके द्वारा किया गया है और दूसरा बोर किसके द्वारा किया गया, वो भामाशाहों के नाम भी बताएं। पहला बोर जो हमारा हुआ वो हमारे हड़माला के आदरणीय बालकृष्ण जी पंड्या और पंकज जी व्यास के सहयोग से हुआ और उसी दौरान मुझ पर प्रधान साहब ईश्वरलाल जी सरपोड़ा साहब का फ़ोन आया कि बोर एक मेरी तरफ से भी करना है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, 2 बोर कर देंगे। तो एक ये हुआ, उसके बाद तुरंत हमने दूसरा बोर भी करवा दिया। दोनों बोर 328 फीट पर खुदवाए गए हैं। पानी का लेवल भी हमने आज चेक किया, एक 20 फीट पर एक का लेवल और एक का 80 फीट पर है। और जैसे ही हमारे सनातन परंपरा है उसका पालना करते हुए प्रथम जल हमने महादेव को अर्पित किया है और जो महादेव को अर्पित होता है वो सर्वस्त्र अनवरत चलता रहता है, कभी उसका ह्रास नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता है। तो गौ माता के लिए जो पानी की हमने व्यवस्था की है उसके लिए हम पूरे सदस्यों का और जो भी भामाशाह हैं इसमें, पानी के अलावा भी जितने भी प्रकार के भामाशाह, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ये हमारा प्रथम एक ट्यूबवेल के रूप में गौशाला का पहला कार्यक्रम हमारा हमने रखा था जो संपन्न हुआ। आगे धीरे धीरे हम गौशाला को स्थायी रूप में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक बिल्वतो श्वार्वणम्
ही जलम जुगनागारम चिन्हतम चरगारम ही जन्मवाग संहारम ए जिगदश्वारवणम ही जलम जुगनागारम चिन्हतम चरगारम ही जन्मवाग संहारम ए विपद काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर व्याधि हर व्याधि हर पीड़ा हर मृत्यु हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव तो जैसा कि आपने अभी देखा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र भाई खोडनिया और तहसीलदार डॉक्टर मयूर शर्मा उनके साथ में गौभक्त थे और जो गौशाला श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला थी वहां पर दो बोर करवाए गए थे और उसी का जल जो बोर से आया है वो लाकर यहां पर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया गया है। इसी के साथ मैं सभी भामाशाहों से और गौ भक्तों से निवेदन करूंगा कि इस गौशाला में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दें और गौशाला की निर्माण में सहयोग करें। इसी के साथ कैमरामैन कबीरम लव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।